और अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कल यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपने कक्ष में जाएगा और जल्दी ही यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। फिर यह आगे बढ़ेगा और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में कहां उतरना है उसकी पहचान होगी और इसकी लैंडिंग 23 अगस्त के लिए निर्धारित है। नहीं होगा, कल ये ऑर्बिट में जाएगा, लैंड होने में अभी इसको समय लगेगा, अगले ये 23 अगस्त तक। अभी ये जो अर्थ का ऑर्बिट है उससे ऐसे ऐसे घूमता है, ये फायरिंग ऑर्बिट्स होते हैं 3-4, उससे निकल करके ये चंद्रमा के ऑर्बिट में चला जाएगा। फिर चंद्रमा के ऑर्बिट में एक बड़ा दायरा होगा, फिर छोटा दायरा, फिर धीरे धीरे ये पास आएगा। फिर जो इनर सबसे नज़दीक का जो ऑर्बिट होगा, जब वो वहाँ पहुँचेगा लगभग पहले सप्ताह अगस्त तक, उसके बाद ये शिनाख्त करेगा कि एग्जैक्टली किस जगह पे इसको लैंड होना है, साउथ पोल के क्षेत्र में, और लगभग 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग हो जाएगी। Z News.